कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने कहा है कि राहुल गांधी अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है और वक्त लगेगा मैच्योर होने में। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशि दलवी हमारे साथ है। राहुल गांधी को 12-13 साल के बाद भी अभी और वक्त लगेगा मैच्योर होने में? देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। राहुल गांधी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये साबित किया है। आज कांग्रेस की परफॉर्मेंस लोकसभा के अंदर बहुत अच्छी नहीं रही, मैं मानता हूँ, लेकिन राहुल गांधी 2004 और 2009 में कांग्रेस को लीड कर चुके हैं, केंद्रीय सरकार बना चुके हैं। लोकतंत्र में हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता और उनकी लीडरशिप में जो कदम उन्होंने उठाए हैं, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इसके नतीजे आप देखेंगे तो शायद आप खुद कहेंगे कि ये बात गलत बात है जिसने भी कही। शीला जी ने क्या कहा है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राशि साहब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद और उससे पहले 1.5-2 साल में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए, जब से कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद संभाला, कांग्रेस पार्टी एक भी बड़े राज्य में चुनाव जीत नहीं पाई है खुद के बदौलत। कर्नाटका को छोड़ दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद अपने बल पे कांग्रेस नहीं जीत पाई किसी स्टेट में। देखिए, लोकसभा के अंदर जो हमारी हार थी वो यकीनन बड़ी हार थी, उसके लिए हम ये बात बहुत बार कह चुके हैं, लीडरशिप भी कह चुकी है। लेकिन उसके बाद जो चुनाव आए हैं, एकदम हालात नहीं बदला करते, लेकिन अब 2.5 साल के अंदर मोदी जी की सरकार जिस तरह नाकाम हुई है, लेकिन बीएमसी चुनाव में जीत हुई है, कई राज्यों में जीत हुई है, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आप मानेंगे कि आपके पक्ष में आ जाएंगे? देखिए, बिहार के अंदर हम जीते हैं और बिहार के अंदर जो जीते हैं उसमें नीतीश और लालू का बड़ा हाथ है, लेकिन इससे भी बड़ा हाथ राहुल गांधी के विजडम का है। उनके अंदर फार साइटेडनेस थी कि किस तरीके से इन लोगों को साथ ला के चुनाव लड़ा जाए, और यही वजह है कि बिहार के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। और इन 5 चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एलाइज सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। प्रियंका गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, शीला दीक्षित ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों को पद संभालना चाहिए। राहुल गांधी तो पद पर हैं ही, प्रियंका गांधी को भी पार्टी के अंदर पद संभालना चाहिए, आप इत्तफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये फैसला प्रियंका गांधी का है कि वो राजनीति में किस हद तक आती हैं, नहीं आती हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।